everyone. Hope you all fine and doing great in your lives and having a very calm this quarantine time going on. My name is Umehani and you all are watching your favorite show, Talk with Ra. So here with me is the most inspirational personality of my life, best mind sciences trainer and the best motivational speaker, Ra Mohammed Aslam. Thank you very much, Hani. So today, I'm going to discuss very simple but very deep-rooted questions. जो मैंने इस क्वारंटीन टाइम में जो फोकस किया है जिन चीजों पे जिन क्वेश्चंस को मैंने अपने माइंड में राइज किया है आई एम गोइंग टू आस्क दिस क्वेश्चन फॉर माय फादर सो द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच रोज अप इन माय माइंड इज अबाउट पावर ऑफ नाउ सो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू माय फादर इज के लाइक व्हाट इज द पावर ऑफ नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इट अच्छा ये इंसान जो है ना इसने खुद ही अपनी टाइमलाइन मुकर्रर की है कि अगर हम ये कहें कि जी आपके पास फर्ज करें हमने वक्त को तीन हिस्सों में तकसीम किया है वो इसलिए किया है कि इंसान के पास जो है वो एक माइंड है अपने माइंड के जरिए वो एक अपना जो है वो पास्ट बनाता है एक प्रेजेंट बनाता है और एक फ्यूचर बनाता है उसके बाद ये किया कि इंसान ने अपने आप को टाइम और डिवाइड किया उसको फर्ज करें कि इंसान ने कहा कि घंटे होंगे फिर उसने कहा कि मिनट होंगे फिर उसने कहा कि सेकंड होंगे फिर उसने कहा कि माइक्रो सेकंड होंगे फिर नैनो सेकंड होंगे इस तरह करके वो काफ़ी सारे उसने डिवाइड कर दिया वक्त को अच्छा अब इंसान ने तसव्वुर किया हुआ है कि मेरा एक माजी है और एक प्रेजेंट है मेरा और एक आगे फ्यूचर है अच्छा हम सब सुबह से लेकर शाम तक जो है अपने माजी को याद करते रहते हैं इसकी खूबसूरत अगर मिसाल देखनी तो आपने देखा जिस शख्स ने भी गाड़ी को डिज़ाइन किया है उसने बड़ा खूबसूरत किया उसने कहा कि बैक मिरर देखने के लिए आपको छोटे छोटे तीन मिरर दे दिए गाड़ी के ऊपर लगा होता है अंदर दो बाहर लगे होते हैं तो इस तरह हमारा सबसे ज़्यादा जो देखने के लिए होता है आगे देखने के लिए हमेशा बड़ा सारा उसने एक स्क्रीन लगा दी हमारे आगे जो विंड स्क्रीन होती है हमारे आगे तो इसी तरह से जो इंसान है उस वो या तो माजी में रहता है या फ्यूचर में रहता है प्रेजेंट में रहता नहीं जबकि जो काम करने की जगह है वो हमारा प्रेजेंट है तो हमें ये एक बहुत बड़ी किताब लिखी गई है इकहार्ट टोले की जिसने पावर ऑफ नाउ पे लिखा और 1997 के अंदर वो किताब जो है प्रिंट हुई तो उसने सबसे पहले हमें बताया कि आपने किस तरह से प्रेजेंट में रहना है क्योंकि दुनिया में जितने भी बड़े लोग हुए हैं जो भी रहे वो सारे के सारे जो है ना वो प्रेजेंट में रहते थे और प्रेजेंट में ही आप काम करते हैं जिसके रिजल्ट्स आपको फ्यूचर में मिलते हैं और प्रेजेंट से ही आपका जो है पास्ट बनता है तो मेरे ख्याल के मुताबिक जो बेहतरीन जो काम करने की जगह है वो सारी की सारी जो आपका प्रेजेंट होता है प्रेजेंट कौन सी जगह होती है जहाँ पर आप अपना कॉन्शियस माइंड इस्तेमाल कर सकते हैं और जो कॉन्शियस माइंड इस्तेमाल करते हैं तो आप प्रेजेंट में होते हैं अदरवाइज आप जो या आप माजी में होते हैं या आप अपने फ्यूचर में होते हैं सो द सेकंड क्वेश्चन व्हिच आई एम गोइंग टू आस्क इज अबाउट के लाइक आई एम इन आइसोलेटेड टाइम एंड आई एम सिटिंग वेरी साइलेंटली वेरी काम सो द क्वेश्चन रोज अप इन माय माइंड एवरी टाइम के हु एम आई मैं हूं क्या लाइक अल्लाह ने मुझे क्रिएट करके भेज दिया सो व्हाट्स द पर्पस ऑफ मी टू बी हियर सो दैट्स माय क्वेश्चन के हम है क्या हु एम आई ये क्वेश्चन भी जो है ना आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक लोग जो हैं इस पर बहुत सी किताबें लिखी गई बहुत से बड़े बड़े फिलासफर जो हैं खासकर जैसे सुकरात है अफलातून है और अम्बिया अलैहिस्सलाम है आइमा कराम है बुद्धा है महावीर है इन सब ने इसके ऊपर काम किया और ये देखने के लिए कि जो मैं कौन हूँ ये समझने के लिए अच्छा कई जगह पर तो आपकी मदद की है ये खासकर जो आपका है मजहब है वो आपको कहता है मसलन फर्ज करें इस्लाम के अंदर हमारे हमें बताया गया है कि हमने एक ट्रीटी साइन की हुई है अल्लाह ताला के साथ जिसमें हमने कहा है जब हमसे एक पैगाम मिला के अलस्तु बिरब्बिकुम तो अल्लाह ने कहा कि तुम्हारा खुदा कौन है तुम्हारा रब कौन है तो हमने कहा कि कालू बला कि तू ही हमारा रब है ये मजहब हमें बता देता है और जैसे हिंदू मजहब में और बुद्ध मजहब में और बाकी तमाम मजाहब के अंदर हमें आगे जन्नत का दोजख का तसव्वुर भी हमारे पास मौजूद है तो हमें ये सबसे पहले पता तो ये लगता है कि हम कहीं से आए हुए हैं और ये जो दुनिया जिसके अंदर हम इस वक्त मौजूद हैं
इस पे हमने कुछ काम करने है और इस काम के रिफ्लेक्शन में हमें जन्नत या दोजख दी जाएगी। तो ये वाकई सही बात है कि मैंने इस दुनिया के अंदर रह के क्या करना था। मैंने अतीउल्लाह में रहना था, मैंने अतीउ रसूल में रहना था, मैं इंसानों की खिदमत करनी थी, मैंने अच्छे से अच्छा मुआशरा कायम करना था, मैंने अच्छी से अच्छी मेडिसिन कायम करनी थी, मैंने बहुत आला दर्जे की जो है वो मेडिकल की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी थी लोगों को, और साथ साथ जो है मैंने एजुकेशन हासिल करनी थी, लोगों को एजुकेशन देनी थी। ये मेरे काम थे यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने अल्लाह और उसके रसूल की बातों को मानते हुए जो है एक ज़िंदगी गुजारनी थी जो शरीयत के मुताबिक होनी है। और उसके बाद मैंने इसके बाद एक और दुनिया है जहाँ पे रोज़े जजमेंट के बाद मुझे फैसला किया जाएगा और उसके बाद मैं जन्नत में दोजख में जाऊँगा। ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है, अच्छा इसमें एक कॉन्सेप्ट जो मैं देख रहा हूँ वेस्टर्न दुनिया का है, वो मजहब को तो चाहे नहीं मानते लेकिन इखलाकियात को वो मानते हैं। उनके नज़दीक ये है कि हमने यहाँ पे आला दर्जे की ज़िंदगी गुजारनी है और उसका रिफ्लेक्शन आगे तो नहीं है लेकिन यहाँ के लोगों को हमने बहुत फ़ायदा देना है। तो इंसान का जो बुनियादी मेरे नज़दीक जो समझ आई मुझे कि इस दुनिया में रहते हुए मुझे एक आला दर्जे की ज़िंदगी खुद गुजारनी है और एक आला दर्जे की ज़िंदगी गुजारने में मैंने लोगों की मदद करनी है, मुझे तो यही नज़र आया। और इसी से फिर मैंने एक अगली दुनिया जो है बेशक के ही इज लिविंग अ वेरी लाइवली लाइफ नो डाउट इन इट। इसके आगे हम चलते हैं और मेरा थर्ड क्वेश्चन है कि जब भी कोई लाइफ में इंसिडेंट होता है वेदर इट इज गुड और वेदर इट इज बैड, हम अपने माइंड में हमेशा सोचते हैं कि तकदीर में ऐसा लिखा होगा। सो माय क्वेश्चन इज कि तकदीर डेस्टिनी असल में इसका कॉन्सेप्ट क्या है? अच्छा इसमें भी दो तकदीरें होती हैं हमारी। एक तकदीर वो होती है जिसे मैं अपनी मर्जी से अपनी विल के जरिए तब्दील कर सकता हूँ, और एक वो है जिसे मुझे हर सूरत में कबूल करना है। मसलन फर्ज करें एक मेरी वो तकदीर है जिसमें मेरी आंखों का कलर कैसा होगा, मेरा हाइट कितनी होगी, मैं किसके घर में पैदा होऊंगा और मेरे जो वालिद होंगे उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो क्या होगी, ये सारी चीज़ें मुतय्यन हैं मेरी और मेरी शक्ल सूरत सब मुतय्यन है, इसके अंदर मेरी कोई अमल दखल नहीं है। लेकिन एक तकदीर वो है जिसके अंदर मैं अपनी मर्जी से, मेरे पास लिबर्टी ऑफ चॉइस मौजूद है। मसलन फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ से कराची जाना चाहता हूँ तो मैंने कौन सा वे ऑफ कम्युनिकेशन इस्तेमाल करना है, मैंने जहाज़ के ज़रिए जाना है, साइकिल के ज़रिए, मोटरसाइकिल, पैदल गाड़ी, कौन सी कैसे जाना है, मुझे मेरे पास ये चॉइस मौजूद है। जो लिबर्टी ऑफ चॉइस मुझे दी गई है इससे मुराद है कि मेरा आगे हिसाब होना है, तो उस हिसाब की बुना पे मेरे लिए लाजम ये है कि मुझे दोनों तकदीरों के अंदर देखना है, एक तदबीर है और एक तकदीर है। मसलन फ़र्ज करें मुझे कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम आ गई है, तो मुझे अब किसी हॉस्पिटल में जाना है, किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाना है, शौकत खाना में जाना है, और एक वक्त ऐसा आएगा कि मेरी जान जो है वो फरिश्ता आके कब्जे में ले लेगा मेरी जान, तो क्या वो ये सारी की सारी तकदीर है। लेकिन साथ साथ मैंने तदबीर की है, मुसलसल मैंने तदबीर की है कि यानी मैंने उस प्रॉब्लम को हल करने की पूरी कोशिश की, ये कोशिश करना तदबीर है और जहाँ पे मैं कोशिश नहीं कर सकता वो मेरी तकदीर है, और वो जो तकदीर मेरी है वो मुझे हर सूरत में कबूल करना है, हर सूरत में मुझे उसको कबूल करना है, जबकि मैं कुछ में तकदीर जो तदबीर है वो कर सकता हूँ, जैसे मैंने मिसाल दिया। राइट, होप आप लोगों का कॉन्सेप्ट इस डेस्टिनी के बारे में क्लियर हो चुका होगा। एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ कि आपको फॉर एग्जांपल एक एक्सीडेंट हो गया आपका, सो उस टाइम क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं वी डोंट हैव एनी ऑप्शन एंड दैट्स ऑल फिनिश नाउ, सो ऐसा क्या होता है कि हमारी कौन से वो थिंकिंग या कौन से वो थॉट पैटर्न्स होते हैं जिसपे हम काम नहीं कर रहे होते, सो दैट इज माय क्वेश्चन। थैंक यू, ये बड़ा अहम सवाल है। इसमें यानी कि मैंने पहली दफ़ा एनएलपी मैंने जो कोर्स करने के लिए गया, मैं वो हमारा 15 दिन का कोर्स था और हमारे उस्ताद बड़े अच्छे थे, तो उन्होंने हमें बताया जब जिस दिन हमने वो आखिरी वो केक हम खा रहे थे और कर्नल इम्तियाज़ साहब हमें पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। उसने कहा कि अगर फ़र्ज़ करें आज आपकी गाड़ी किसी गाड़ी के साथ बैंग होती है और आपके पास सिर्फ एक ही चॉइस है, और चॉइस क्या है कि आपने लड़ना है, तो आप समझ लेना कि आपने एनएलपी से कोई फ़ायदा नहीं उठाया।
अच्छा लड़ने का मामला जो होता है ना, ये जानवर अपने तमाम फैसले लड़के करते हैं। आपने देखा होगा कि बुल आपस में लड़ रहे हैं, आप मुर्गे आपस में लड़ रहे हैं, बटेरे आपस में लड़ रहे हैं, कुत्ते आपस में लड़ रहे हैं, डॉग्स आपके, बिल्लियां लड़ रही हैं, वो अपने फैसलों को लड़के करते हैं। इंसान के पास जिबिल्लत नहीं है, बल्कि जिबिल्लत से आगे इंसान है। इंसान के पास शऊर है, उसके पास अकल है, वो अकल की बुनियाद पर आप करेगा। उसके लिए बहुत सी किताब लिखी गई है, एक बड़ी अच्छी, मुझे वो किताब का हवाला दूंगा। उसने कहा कि इंसान की दो तरह की थॉट्स होती है, एक कन्वर्जन थॉट होती है। कन्वर्जन थॉट से मुराद है वही लड़ाई, कि आपने आपकी गाड़ी बैंग हो गई और आपने अब लड़ाई ही करनी है। दूसरा डाइवर्जन थॉट है, डाइवर्जन थॉट से मुराद है कि आप मल्टीपल थॉट्स ले सकते हैं। मसलन मैं एक मिसाल देता हूँ आपको, एक दफ़ा मेरी गाड़ी के साथ किसी की गाड़ी बैंग हो गई, तो अब मेरे लिए एक तरीका था कि मैं उसको उसके जो है ना उससे लड़ूँ। तो मैंने कहा नहीं, आज मैं लड़ना नहीं है। तो मैंने क्या किया कि उसको सबसे पहले अपना कार्ड निकाल के दिया, मैं कि ये मेरा कार्ड है, आप प्लीज़ अपना कार्ड मुझे दें। उसने अपना कार्ड मुझे दिया और मैंने अभी उसके बाद शाम को जब फ़ोन किया उसको, तो वो कहने लगा जी कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने कहा जी, मैं कह जी आपकी गाड़ी मेरी गाड़ी से बैंग हुई थी। कहते जी मैंने बताना था कि मेरी जो सिस्टर है उसको ब्लड चाहिए था, उनके यहाँ कोई बच्ची बच्चा होने वाला था, कोई डिलीवरी थी उनकी, तो मैं जल्दी में था इसकी वजह से आपके साथ गाड़ी बैंग होगी। अब फट से मुझे उस चीज़ के बारे में इलम हुआ। तो अब क्या हुआ कि वो आज भी मेरा फ्रेंड है, मेरा दोस्त है, मैं उसको फ़ोन करता हूँ, मुझे फ़ोन करता है। तो आपके पास अगर एक से ज़्यादा आपका जो माइंड है वो मल्टीपल थॉट दे रहा है, तो इससे मुराद है कि आप बड़े इंसान हैं। और अगर फर्ज करें लड़ाई तक ही है, तो आप जानवर से